नमस्कार। आज हम लोग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा, जो सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा का एक प्रावधान किया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और उनके साथ जस्टिस दिनेश त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस भट्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मामला 3 दिन से कोर्ट में बहस चल रही है। पेटिशनर्स जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटा को चैलेंज कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो देश के संविधान के लिए ठीक नहीं है, संविधान के खिलाफ है, और जो 103 की अमेंडमेंट है वो देश में जो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग या पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनके लिए प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए किया गया था कि वो लोग प्रताड़ित थे कई सालों से, कई सेंचुरी से। उन पर प्रताड़ना की वजह से उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनकी सोशल बैकग्राउंड इतनी पुअर थी कि उनको एक्सट्रीम में लाने के और जो फॉरवर्ड लेयर है या जो अग्रिम जाति है उनके साथ कंपटीशन में लाने के लिए या उनको एक इक्वल स्टेटस देने के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। तो ये रिजर्वेशन के प्रावधान पिछले 70 सालों में कई दफ़ा हुए। अब जो ये ईडब्ल्यूएस कोटा है ये क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे और वार्ता करेंगे कि ये ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो कैसे सोशल जस्टिस के खिलाफ है और सोशल इनजस्टिस को बढ़ाता है, और किस तरीके से ये जो बैकवर्ड SC ST समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जिनको रिजर्वेशंस का प्रावधान, 50% रिजर्वेशन का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है, तो वो इसके खिलाफ कैसे जाता है। पहले तो मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए। स्क्रीनशॉट में बड़ा क्लियरली मेंशन है कि जो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, इसमें जो कंप्लेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित्स थी उसके बारे में ये एक्ट था। उस एक्ट को फिर मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कई सारे केसेस हैं जो गलत FIR लिखवाई जाती हैं, तो उसमें जो एक्यूज पार्टीज होती हैं उन पर बेल का प्रावधान नहीं है। SC ST एक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्ट है, तो उन्होंने बेल का एक प्रोविजन दिया और उन्होंने अरेस्ट में भी कई चीज़ों में कि अनलेस एंड अंटिल कोई एविडेंस हो तो उसमें अरेस्ट भी ना की जाए। पर दलित समाज के लोगों का ये कहना है कि हमारे 1,45,000 केसेस हैं अभी पेंडिंग 2016 से, जिसमें 90% केसेस में सुनवाई ही नहीं हो रही है, और कई केसेस, 1 में 10 केस ऐसा है जिसको कहा जाता है कि ये फॉल्स केस है। अब उसमें कुछ सोशल इनइक्वालिटीज करके जहाँ पे अग्रिम जाति के समाज के लोगों का ज़्यादा वर्चस्व है तो वो केसेस को गलत बयान करके और उसको ख़त्म भी करा देते हैं, जबकि 25% दलितों का पॉपुलेशन से, हमारे 1,40,00,000 की पॉपुलेशन है, तो 25% जो है दलित समाज के लोग उस पॉपुलेशन में आते हैं। तो हालांकि इसमें सेंसस भी 1951 के बाद 1931 और 1951 की जो कास्ट बेस्ड सेंसस थी वो भी एक लिमिटेड सेंसस थी, तो जितना भी डेटा है वो 1951 से, जैसे मंडल कमीशन आया उसने 1951 से 1980 का एक डेटा कोलैबोरेट किया, वो डेटा एक परसेंटेज ग्रोथ पे कि मतलब एक पॉपुलेशन अगर मान लीजिए 7% या 6% या 8% ग्रोथ से अगर उसको फॉर्मूला करें, तो उन्होंने एक औसतन लगाया कि 1951 से 1980 60% लोग समाज में जो हैं वो पिछड़ी जातियों से, दलित समाज से, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब से, पिछड़े वर्गों से आते हैं, जिन पे 50% रिजर्वेशन तक का एक प्रावधान सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट बैकवर्ड कास्ट के या शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी नोटिफाइड करती हैं तो स्टेट्स उसके ओवर एंड अबव नहीं दे सकती हैं। बिकॉज कई स्टेटों में ऐसा हुआ, जब इलेक्शन आए तो कई स्टेटों की सरकारों ने ये वादा किया कि हम रिजर्वेशन, जैसे जाटों के आरक्षण को लेकर बात हुई या गुज्जर समाज के लोगों के आरक्षण की बात हरियाणा में हुई या राजस्थान में हुई, तो हर कम्युनिटी ने कहा कि जब रिजर्वेशन बैकवर्ड्स को मिल रही है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रही है, तो हमें क्यों रिजर्वेशन नहीं मिलती। तो उसका प्रमुख कारण यही था कि रिजर्वेशन जो थी वो सिर्फ एक सपोर्ट था जो सोशल इनजस्टिस कितने कई सालों से, पिछले 400-500 सालों से जो सोशल इनजस्टिस किए गए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये रिजर्वेशंस का था। तो कई स्टेट्स ने, जब गुज्जर एजिटेशन हुई, जाट एजिटेशन हुई, तो उसमें कई जगह रिजर्वेशंस का प्रावधान जो था वो माना गया, कई जगह नहीं माना गया, तो अव्वल 50% की कैप लगा दी गई कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। पर अब क्योंकि सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान भी कर दिया है, तो ये रिजर्वेशन, जाहिर सी बात है,
कि 60% से ऊपर चली जाएगी, 50% तो बैकवर्ड और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को और पिछड़े समाज के लोगों को, और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा में। एक तर्क ये भी कहता है कि अगर 85% पॉपुलेशन को हम बैकवर्ड मान लें और 30% लोग जो हैं, 15% लोग अगर उसमें कवर नहीं हो रहे हैं, और अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी आप कैलकुलेट कर लें, तो उस फॉर्मूला से सिर्फ 5% लोग ही 10% ये रिजर्वेशन के धारक माने जाएंगे या रिजर्वेशन के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। बिकॉज इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ये भी कहा गया कि 800,000 सालाना इनकम। अब आपको पता है कि देश की GDP $3.5 trillion है या $3.5 trillion है, और उसमें हमारी पॉपुलेशन 1.42 करोड़ हमारी बिलियन पॉपुलेशन है। अगर उसको हम डिवाइड भी करते हैं, GDP पर कैपिटा हमारी $2,500 मतलब कि रफली अबाउट 16,500 से 18,000 रुपये सालाना ही बनती है। तो एक आदमी की आय 500 रुपये से ऊपर तो वैसे भी नहीं है, और मनरेगा में भी एक श्रमिक को 270-280 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो 800,000 रुपये सालाना इनकम तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या ये जो क्रीमी लेयर है, जो जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, क्या उनको सिक्योर करने के लिए ये 5% लोगों को सिक्योर करने के लिए 10% प्रोविजन किया गया है? अगर आप उसको दूसरी तरीके से समझे तो ये 10% जो जॉब्स हैं, ये उन जो मेरिटिवस स्टूडेंट हैं, जो मेरिट जिनकी है, उनसे वो छीन ली जा रही है। तो और दी किसको जा रही है? फॉरवर्ड कास्ट को दी जा रही है। इसमें कोई सोशल इनजस्टिस का फॉर्मूला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं है, और कोई इसमें कैप नहीं है कि वो क्रीमी लेयर कब मानी जाएगी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो एक इकोनॉमिक अपना उनकी गरीबी की वजह से ही वो उनको क्वालिफाई किया जा रहा है, और 800,000 रुपये सालाना इनकम वाला आदमी किसी भी धारणा से गरीब नहीं होता। एक बात इसमें और आई थी, January 2022 में आपने देखा जैसे NEET PG की काउंसलिंग होती है, मेडिकल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जब काउंसलिंग होती है, उसमें डॉक्टर्स को फिर आगे काम करने के लिए नौकरी मिलती है। तो क्योंकि कोरोना संकट आया, 2 साल में जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स में कमी हो गई, तो क्योंकि EWS कोटे में 10% का प्रोविजन सेंटर की सरकार ने किया पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इस वजह से कई डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट्स रुक गई। तो जितने एम्स के डॉक्टर थे और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक की कि PG काउंसलिंग में आपने अगर EWS कोटा दे दिया है 10% का, तो उसमें काउंसलिंग क्यों रोकी हुई है? तो इस वजह से भी एक बवाल उस मामले में उठा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 103 में जो अमेंडमेंट की गई है, उसमें अगर आप उसको सिलसिलेवार समझें, तो सिलसिलेवार में उसमें आपको ये चीज़ भी नज़र आएगी कि 15(3) जो एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन का एक क्लॉज है, उसमें भी जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं कि आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट दीजिए, पढ़ाई दीजिए, शिक्षा दीजिए, रोज़गार दीजिए, हेल्थ बेनिफिट्स दीजिए औरतों को और बच्चों को, पर औरतों के रोजगार में कोई क्राइटेरिया नहीं है। जस्टिस भट्ट ने पॉइंट आउट किया कि कोई क्राइटेरिया नहीं है और कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है कि मान लीजिए कितनी औरतों को, किस बैकग्राउंड की औरतों को सिक्योर जॉब मिलनी चाहिए, और कितनी जॉब्स मिल जाएं तो उसके बाद वो क्रीमी लेयर में मानी जाए, उसका एंड पॉइंट हो। जैसे बैकवर्ड क्लास में होता है कि क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास की डिफाइन कर दी गई, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लोगों की में भी क्रीमी लेयर डिफाइन कर दी कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट पा चुके हैं, उनकी आगे की आगे जो उनके परिवार हैं या आगे उनके बच्चे हैं, उनको वो रिजर्वेशन का कोटा ना दिया जाए। तो जब आप विमेन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो क्या उसमें भी आपने कोई एंड पॉइंट दिया है? तो ये एक मामला खड़ा हो जाता है। तो ये मामला सोशल जस्टिस वर्सेज इनइक्वालिटी का है कि इनइक्वालिटी तो कास्ट बेस्ड थी, रिलीजन बेस्ड थी, जिसमें हमने क्रचेस दिए, जिसमें हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और पिछड़ी जातियों के लोगों को हमने समानता का अधिकार देने के लिए ये किया, पर ये सोशल इनजस्टिस हो जाएगा अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 800,000 रुपए सालाना आय पाने वाले को भी रिजर्वेशन मिल जाएगी, तो सिर्फ 5% लोग 10% जॉब्स का अधिकार क्लेम कर लेंगे। ये एक मामला जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कई पक्ष रखे गए, कई तर्क सामने आए, कल भी परसों भी 3 दिन लगातार ये मामला चलता रहा। अब उस पर जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिजर्व रखेगी, क्या वो EWS कोटे को मान्यता देगी नहीं देगी, ये सवाल तो तभी जवाब इसका मिलेगा जब उसमें उसका जवाब आ जाएगा। अब जैसे कि इसमें जो 2-4 तर्क रखे गए, मैं आपके सामने वो भी रख दूंगा जो वहाँ के वकीलों ने पटिशनर्स के बिहाफ पे, जो शिकायतकर्ता थे उनके बिहाफ पे, उन्होंने आर्टिकल 14 और 15 के बारे में क्या कहा।
तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 14 के जो हैं दो भाग हैं, जो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई सोशली बैकवर्ड है, जिसको एजुकेशन नहीं मिली, जिसको समानता का अधिकार नहीं मिला और जो पीछे रह गया, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया था रिजर्वेशन का। और आर्टिकल 15(1) जो है, 15 पार्ट 1, वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स, कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और सेक्स के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 16(1) जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को फर्दर प्रोहिबिट करता है, जो 15(1) में डिफाइन है। 15(1) जो डिफाइन है उसको 16(1) में भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है कि आप किसी को भी अलग इस रिलीजन, कास्ट और सेक्स पे नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 23-24 कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सबको समानता का अधिकार भी देता है और फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, और कि कैसे दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को और पिछड़े समाज के लोगों को लिबरेट किया जाए और उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए, आर्टिकल 23-24 कॉन्स्टिट्यूशन का इसको डिफाइन करता है। इसमें आप राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 15 जोड़ सकते हैं, राइट ऑफ ऑक्यूपेशन आर्टिकल 19 जोड़ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कैन नॉट बी रियलाइज्ड अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाके काम करना चाहे और वो कहें कि नहीं, ये आपके समाज के लोग यहाँ नहीं रह सकते, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी अलाउ होनी चाहिए। जो इक्वालिटी कोड है वो 15(3) में जो डिफाइन किया गया, उसमें कहा कि स्पेशल प्रोविजन बनने चाहिए जिसमें ओपन स्कूल्स बने, सब समाज के लोग स्कूल में पढ़ सकें, कॉलेजेस बने, इंडस्ट्रीज ऐसी लगें जिसमें रोजगार का भी साधन हो और औरतों को भी ट्रेनिंग का प्रावधान हो, औरतों की एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान हो। पर 15(3) में ये जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या एंड पॉइंट है और कैसे आप डिफाइन करेंगे कि किस बैकग्राउंड की महिलाओं को पहले सपोर्ट मिलना चाहिए, तो इस बारे में आर्टिकल 15(3) में क्लियर डेफिनेशन नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि महिलाओं में रिजर्वेशन में या नौकरी में, अब आपने देखा कोरोना काल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पहले 66% हुई, अब कहीं जाके 48% हो गई है। अब उसमें महिलाएं जो पहले काम करती थी, अगर उनकी संख्या 19.5% थी पूरे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, तो आज की डेट में मात्र 9.5-10% रह गई है। तो महिलाएं ना तो काम मांग रही हैं ना काम मांगने जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए साधन नहीं है नौकरियों के। तो 15(3) जो डील करता है एम्प्लॉयमेंट का महिलाओं के लिए, उसमें क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं है। जैसे बैकवर्ड क्लास में, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में, आदिवासियों में और पिछड़ी जनजातियों में, जातियों में ये डेफिनेशन है, औरतों में महिलाओं में नहीं है, इसी वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होती है। आर्टिकल 15(4) जो है वो स्पेसिफाई करता है कि सोशली और एजुकेशनली ये क्राइटेरियाज होने चाहिए कि सोशल इनजस्टिस जहाँ पे हुआ है और जहाँ पे अभाव है पढ़ाई लिखाई का, वो ये नहीं कहता है कि इकोनॉमिकली एंड सोशली। इकोनॉमिकली तो एक बड़ा वाइडर सब्जेक्ट है कि आदमी गरीब कैसे है और किस वजह से है, उसके हालात कैसे ऐसे पैदा हुए, कि क्या पता वो गरीब अब हुआ है कि पहले से था, और इन चीज़ों पे काफ़ी जो है वो डिबेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंट पक्ष के वकीलों ने दी। आर्टिकल 340 जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि क्लासिफिकेशन डिफाइन करता है बैकवर्ड क्लास की, बैकवर्ड क्लास किसको माना जाए, तो और उसमें जितनी भी कास्ट हैं वो सारी सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशन को डिफाइन करते, तो 22 पैरामीटर्स कहा गया है कि 22 पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कि सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, SEBCs जिनको कहते हैं, सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट 22 पैरामीटर्स के अंतर्गत आर्टिकल 341, 342 और 366 में डिफाइन किए गए हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 1931 और 1951 में भी 1931 की सेंसस का भाग है, तो कई सालों से, पिछले 60 सालों से तो सेंसस ही नहीं हुआ है कास्ट बेस्ड। बिहार की सरकार ने भी ये डिमांड किया और नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि अगर ऑपोजिशन बीजेपी की सरकार को अगर हरा देती है 2024 के इलेक्शन में, तो कास्ट बेस्ड सेंसस सारी स्टेट्स में कराया जाएगा, ये डिफाइन किया जाएगा कितने बैकवर्ड, कितने पिछड़े जात के लोग, कितने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लोग, कितने ट्राइबल लोग अभी भी बाकी हैं जिनको सोशल इनजस्टिस किया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है, जिनको रोजगार नहीं मिलता, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और जिनकी हेल्थ कंडीशंस पुअर हैं और जिन इलाकों में वो रहते हैं वो मतलब आम आदमी के रहने लायक नहीं है। तो 341, 342, 366 में ये 22 पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं सेंसस के लिए। इसमें जो जितने भी मंडल, जैसे मैंने आपको बताया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी
उसमें 1987 में जो मंडल कमीशन आई उसमें डेटा जो लिया गया वो ग्रोथ लिया गया, इनमें से 51 से उन्होंने एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट लिया कि फलानी कास्ट के फलाने बैकवर्ड क्लास के कितने लोग हैं, उनकी परसेंटेज ग्रोथ क्या हुई है। तो 1951 से 1980 का एक उन्होंने फॉर्मूला लेके कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि 1987 में कि 52% लोग जो हैं इंडियन पॉपुलेशन की, उस टाइम शायद हमारी पॉपुलेशन 1.1 या 1.2 बिलियन रही हो, तो उस शेड्यूल सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा नेशनल कमीशन फॉर एससी अंडर 338 और नेशनल कमीशन फॉर एसटी अंडर 338A और बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो उसको बैकवर्ड क्लास कमीशन को एड पार कर दिया गया एससी एसटी कमीशन के द्वारा। और 15, 4, 16 आर्टिकल 15(4) and 16 ये डिफाइन कर दिया गया कि 60% पॉपुलेशन जो देश की है वो बैकवर्ड क्लास है, जो अंडर ईडब्ल्यूएस नहीं आते हैं। तो ये 60% जो बैकवर्ड कास्ट है ये ईडब्ल्यूएस के अंडर नहीं आती, ईडब्ल्यूएस के अंडर वो लोग आते हैं जो इससे दूर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10% लोगों को 5% लोगों को देश की टोटल पॉपुलेशन के 10% का ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया है, जो इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी और सोशल इनजस्टिस को बढ़ावा देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन पे एक वकील ने ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होनी ही नहीं चाहिए, तो ये बात की गई। एक मामला और आया, ये फोटोग्राफ 2 देखिए, आपकी पिक्चर दूसरी स्लाइड देखिए, इसमें जस्टिस जी पारदीवाला जो हैं वो भी इसी बेंच में हैं, जब हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने कहा था कि जो इस देश में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है वो रिजर्वेशन और करप्शन की वजह से नहीं हो पा रही है, कि लोग 65 साल के बाद भी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 65-70 साल हो गए देश की आज़ादी को, अब रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनका कई बार उद्धार हो गया, वो IAS IPS ऑफिसर भी बन गए, रेवेन्यू सर्विस में भी चले गए, सिविल सर्विसेज में भी चले गए, SDM ADM लग गए, उनके परिवार में इतना वो समृद्ध हो गए और उनका पास इतना पैसा आ गया, उनके बच्चों ने अच्छी एजुकेशन ले ली, तो अब उनको SC ST या बैकवर्ड क्लास अधिकार पे क्यों मिले। पर इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सेंसस में 15(4) और 16 आर्टिकल में ये डिफाइंड है कि 60-65% हमारे लोग जो हैं वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं। मैंने ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर मान लीजिए 5% लोगों का उद्धार हुआ है वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, और क्रीमी लेयर डिफाइन कर दी गई है, क्रीमी लेयर में कितनी मिनिमम इनकम हो, मकान है उनके पास, उनके बच्चे अगर सही एजुकेशन ले रहे हैं तो उनको क्रीमी लेयर में माना जाता है और उनको रिजर्वेशन का प्रावधान आगे नहीं दिया जाता। अब क्योंकि 5% लोगों को अगर मान लीजिए रिजर्वेशन मिल गई है तो बाकी के 60% लोगों को हम अगर ये रोक देंगे तो देश में फिर इनक्वालिटी हो जाएगी, वैसे भी इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, आपने देखा किस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म है इस देश में पिछले 10 साल से, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो आदमी मिडिल क्लास में था वो और गरीब हो गया है। तो अगर ये असमानता बढ़ती रही, अगर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन अगर नहीं ठीक से मिले और EWS कैटेगरी में 10% अधिकार जॉब्स का और छीन लिया गया तो सोशल अनरेस्ट के भी बहुत कारण हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 50% पॉपुलेशन जो है वो 16(4) में वो डिसक्वालीफाई हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% नौकरी जो अपॉर्चुनिटी है वो 50% पॉपुलेशन से ले लेता है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आप 10% रिजर्वेशन दे देंगे और 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी SC ST बैकवर्ड क्लास और पिछड़ी जातियों को है, तो बाकी की 50% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 35-40% नौकरियों पे ही कंपटीशन रह जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 19 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, और स्टेट की ऑब्लिगेशन बनती है आर्टिकल 46 में इनइक्वालिटी ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन को क्लियर करना। अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोई इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो उसको आर्टिकल 46 में उसकी प्रावधान भी दिए गए हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये तक दिया गया कि जो इकोनॉमिक डिप्राइविटी है, गरीबी है, उसको डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड नहीं लिया जा सकता, प्रोटेक्शन जो है सिर्फ सोशल इनजस्टिस के ऊपर है अंडर आर्टिकल 46। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये कोई रैशनल नहीं बनता कि EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर कट करप्शन का एक बहुत बड़ा गैप खुल जाएगा। जो भी सरकार में होगा
वो अपने ही लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जॉब्स और एजुकेशन सीट्स का प्रावधान कराएगा, एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सरकार के पास वैसे ही इतनी पावर्स हैं, अगर ये पावर भी उनको दे दी गई ये डिफाइन करने के लिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कौन है और उसके प्रॉपर गार्ड रेल्स या उसके प्रॉपर पैरामीटर्स या उसके ऊपर प्रॉपर चेक्स नहीं रखे गए, तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। आपने देखा मंडल कमीशन में कैसे देश के स्टूडेंट्स और देश के बेरोजगार सड़क पर उतर आए थे, बहुत समय लगा उसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो वीपी सिंह सरकार लेके आई थी उसको कंट्रोल करने में। अब आने वाले समय में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी अगर लागू हो गई और उसमें डिस्क्रिशन सरकार के पास हुआ सेंटर की और स्टेट की सरकार के पास, तो उसको कैसे वो मैनेज करेंगे, कैसे वो मॉनिटर करेंगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन की टेंडमेंट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है उसमें एससी एसटी ओबीसी के समाज को लोगों को बड़ा क्लियर है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जानी चाहिए। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जैसे मैंने आपको बताया कोई डेफिनेशन नहीं बनता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई लीगैलिटी नहीं बनती है, तो लीगैलिटी ना बनना और उसका डेफिनेशन ना होना और उसका डिस्क्रिशन स्टेट और सेंटर की सरकार के पास होना, चाहे वो कॉलेजेस के एडमिशन हों या वो इंस्टीट्यूशंस हों की भर्ती हों या वो डॉक्टर्स की पीजी काउंसलिंग की सीट्स हों या वो सरकारी नौकरियां हों या गैर सरकारी नौकरियां हों, तो सरकार अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सरकार को क्या हिदायत देगी। जो तर्क सामने रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने वो तो यही कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है एक कैटेगरी जो है सोशल इनजस्टिस को बढ़ाएगी, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाएगी, देश के संविधान के खिलाफ है, देश के 103 अमेंडमेंट के को फ्रॉड करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बहुत बड़ा संविधान के ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड है। और बी आर अम्बेडकर जी ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनका बड़ा क्लियर कट था कि कौन लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का तो ना तो कोई मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कभी कोई चर्चा हुई। महिलाओं का आरक्षण आज भी पार्लियामेंट में नहीं है, 33% महिलाओं के आरक्षण की बात आज 25-30 साल से चल रही है, जब भी बिल आता है सरकार का पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तो उसको साइड कर दिया जाता है। तो अगर आपको करना है तो आप तरीके से करिए, आपको करना है तो आप पहले डिफाइन करिए कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है क्या और गवर्नमेंट का उसमें डिस्क्रिशन कितना है, क्या इसमें गार्डरेल्स दिए गए हैं, क्या इसमें डेफिनेशन दी गई है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन माना जाएगा, और जिस तरीके के पैरामीटर्स 8 लाख रुपए सालाना इनकम के, तो ये कहीं ना कहीं कहीं भी ठीक नहीं बैठता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। जो बातें मैंने कहीं आप उसको ध्यान से सुने, अपने लोगों में बात करें, चर्चा करें और एक समृद्ध भारत बनाने का और एक अच्छी दिशा में हम अपनी अगली जनरेशन को लेके जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।